अरे यारो, मेरे फोन की ब्राइटनेस बहुत कम हो गई, चेंज करना पड़ता। ऐनक उतारो आपू, बाहर आए जब से उतारे ही नहीं। ऐसी आदत हो गई यार ऐनक की ये गर्मियों में। तुम्हारी मम्मी पे जोका बन रही। मेरी मम्मी पे जोक्स बन रहे। अरे मदर इन लॉ यार, सास जोक है। आखिर ऐसा क्या जोक है जो आप लाफिंग गैस उंगलियों जैसा हंस रहे हैं? अरे सुनो, एक आदमी की सास को अटैक आया था, सडन बेहोश हो जाती तो उन्हें हॉस्पिटल को लेकर भागता। डॉक्टर क्या करता, पूरा चेकअप कर लेके बोलता गुड न्यूज है बैड न्यूज है, क्या सुनते? तो इन्हें बोलता डॉक्टर साहब पहले बैड न्यूज बोले। तो डॉक्टर क्या बोलता मालूम, तुम्हारे सास के हाथ पैर काम नहीं कर रहे, मरते दम तक उनको हाथ से खिलाना है, एकदम बेबी कैसा पालना है। इन्हें परेशान, ये क्या हो गया? डॉक्टर साहब गुड न्यूज क्या है बोले तो डॉक्टर क्या बोलता मालूम, अरे अच्छे यार हो, तुम्हारे सास कुछ भी ना हुआ, मजाक करा। अरे क्या जोक है ये? सुनो, अब मॉम आ रहे मेरे, उनके सामने खुदा के वास्ते ये जोक मत मारो। मम्मी अपने घर को आ रही, गलती से गली मोड़ गए क्या? क्या मतलब? अरे उन्होंने आते ही ना, उनकी एंट्री नहीं हुई अब तक। आप बुलाइज कहा उनको? अरे बुलाने का क्या यार, मम्मी का घर है ये। रही बात वो तुम्हारे बाबा की, हाँ क्या? कुछ भी नहीं, उन्होंने भी एनी टाइम आ सकते हैं। आ सकते क्या? आते चुनो। खैर आज डैड नहीं आ रहे, सिर्फ मॉम आ रहे। अल्लाह का शुक्र है, उन आते तो पूरा मूड किल हो जाता था, उदासी छा जाती भाई, डिमेंटर है। अच्छा हैप्पीनेस खींच लेते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मम्मी। मेरे बच्चे। अरे उठो यार, तुम्हारे मम्मी है, मेरे मम्मी है, प्लीज बैठिए ना। जरा जाओ ठंडा पानी लेके आओ। देखो मेरे बच्चे के वास्ते क्या लेके आई, गुच्ची की टी-शर्ट। मम्मी सेम ऐसा रणवीर सिंह पहना था, इंस्टा पे बताया नहीं? देखो पसंद नहीं आ रही तो वापस भी करा सकते, बिल है मेरे पास। आपकी चॉइस में कभी पसंद नहीं आई, जबरदस्त है, थैंक यू मम्मी। अरे मेरे बच्चे थैंक यू नहीं बोलते बेटा। मम्मी मेरे को गुची का कुछ नहीं है। चुप लुच्ची। मॉम मैं क्या करी? मेरे बच्चे की हालत देखो, कितना दुबला दिख रहा, ये टी शर्ट आती कि नहीं की अभी? आ जाता मम्मी, और आजकल क्या है ढीला फैशन चल रहा। और रही बात दुबले होने की, क्या बोलूं आपको, नाश्ते में दो रोटियां डाल रहे हैं, रात तक वही चबा रहे हैं। अरे मम्मी नो डाइट पे है, वो नहीं बोलते डाइट कर रहे हैं। डाइटिंग? ये आजकल के बच्चे डाइटिंग कहीं को कर रहे बेटा? हमारी उम्र में आने के बाद चाह के भी कुछ भी नहीं खा सकते, जो बीपी शुगर कुछ तो भी उजड़ता। नको नको डाइटिंग नको करो। बात तो सही है मम्मी, असल जैनब तुम्हारा काम है, इसको डाइटिंग करने नहीं देना। मम्मी क्या बोलूं आपको, खाली ऐसा पूछा जैनब मैं डाइटिंग कर लूं क्या, बोलते कि नेक्स्ट दिन पूरा डाइट चार्ट और खुद रोज चाट ठूस रहे। दिख रहा है छोले भटूरे कहाँ जा रहे सो, जिसको डाइटिंग करना है उन्होंने नहीं कर रहे। मॉम ऐसी बोली जी, तुम लंच तो नहीं पकाए ना? नाश्ता ही नहीं हुआ, वो दो रोटियां भी नहीं डाले नो। आय हाय, रुको मैं लंच बना देती हूँ। मॉम कब से की आपके हाथ का शेरवा नहीं खाई मैं। हाँ बेटा मैं अगले हफ्ते बना के भेजती हूँ, अब मेरे बच्चे के लिए मटन मसाला बनाती हूँ, उसका फेवरेट है ना। हाँ मम्मी शेरवा नहीं पसंद मेरे को। मॉम आप तो खाली एक महीने से शेरवा भेज रहे हैं मेरे को, लास्ट वीक तो बोले कि डिलीवरी वाला खा गया, ऐसा कैसा? अरे तो मम्मी को बोल रहे हैं डिलीवरी वाला खा गया, तो उनकी क्या गलती, उन्होंने तो भेजे ना, तुम्हारी खिस्मत में शेरवानी है, नियत साफ रखो जैनब। देखो सुनती नहीं है बच्ची, शुरू से ऐसी छे। हाँ नहीं अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको गौर से सुनो, पहले सब्सक्राइब करो उसके बाद एक घंटा दबाओ। मेरे बच्चे जी मम्मी, खाना बने तक ये जूस पियो, स्पेशल रेसिपी है मेरी। हाँ? पेट ठंडा होता। मम्मी मैं सोच रहा था मालूम कुछ ठंडा पीना बल्कि। हाँ शक्कर से बराबर है ना बेटे, ये और डालो। एकदम परफेक्ट बना है मम्मी आप, जैसा जैसा एक एक घूंट जा रहा ना वैसा मूड फ्रेश होते जा रहा। मैं तो बोल रहा हूँ ये बेचेंगे, ये बिकता फुल बिकता समर्स में। क्या बिकता? कहाँ थे यार जब से मम्मी अकेले है किचन में। अरे वो मम्मी के स्पेशल जूस की खुशबू सुन के आई मैं, कहाँ है मेरी ग्लास? एक ग्लास बनाई थी शाहरुख के वास्ते, तुम तो पूरा बचपन पिए ना। मॉम बचपन को 100 साल हो गए। ठीक है बना लो ना, क्या है उसमें, तुमको तो सिखा दी ना। बना लो बोले तो ना बनाते। आप मेरे को ज्यादा करने का है, इनको कर रहे हैं क्या? मॉम मैं हूँ आपका खून। ये जलन कहीं को पैदा कर लिया जैनब, मम्मी व्हाई शी जेलस? शुरू से ऐसी छेनो जलभक्की। हाँ नहीं हाय तक अलमारी खुली है, मैं लॉक करके गई थी। अरे जैनब तुम कितने बार बोलना आ रहे हो, जब दो बड़े बातें कर रहे हैं तुम बीच में ना उठना। शुरू से इसकी बीच में फुदकने की आदत है, फुदकनी। हाँ नहीं मम्मी बोलिए क्या हुआ फिर। हाँ थी मैं। हाँ आप ना दावा से आए, अलमारी के पटा दोनों ओपन, हालांकि आपको याद है डबल चेक करके निकले थे आप लॉक करके। हाँ तू जरा खामोश बैठ अब। अब मैं आई ताकत पे बैठी, इसको बोली बहरा दबा, इन्हें बहरा दबा रही थी, हमा को नहीं मालूम ताकत के नीचे चोर छुपाए उसे।
एम नाइट शयनलैन ट्विस्ट। ज़ैनब भाग के जाके चिप्स ले लेके आओ, जल्दी जाओ। यार राइट। बेटी ने तुम्हारे को यही तरबियत दी? मियाँ कुछ बोल रहा और तुम यहीं बैठे हुए हैं, जाओ चिप्स लेके आओ। जाओ मॉम, तुम बहस मत करो, जाओ। आजकल के बच्चियों को दो दो बार बोलना पड़ रहा, हमारे जमाने में मियाँ एक बार बोले तो बिना उफ करे सब कुछ कर लेते थे। शिट, मैं गलत जमाने में पैदा हो गया क्या? बेचैनी हो रही है भाई ज़ैनब, चिप्स क्या हो? अरे यारो ज़ैनब, वेस्ट इंडीज हॉट एंड स्वीट चिली ना था जो है वो खामोश खा लो ना। अरे हाँ मम्मी, तखत के ऊपर अब है ज़ैनब पहना तुम्हारी, तखत के नीचे चोर। फिर मॉम आप प्रॉमिस करे थे किसको भी नहीं सुनाते बोल के ये स्टोरी। स्पेशली शाहरुख को। हाउली में प्रॉमिस बोली थी। मैं भी बहुत बार प्रॉमिस बोल के फिरा देता हूँ। ऐसा क्या है जो तुम इतना छुपा रहे? अब तो एक्साइटमेंट से गल्ला भी सूख रहा। ज़ैनब भाग के जाके कूल ड्रिंक ले आओ। शाहरुख फिर दो बार बोलना पड़ता। रहने दो मम्मी, आप स्टोरी सुनो क्या हुआ। तो चोर तखत के नीचे मम्मी जल्दी सुनो। क्या हुआ फिर ज़ैनब, क्या करी क्या करी? ज़ैनब इतना जोर से पाँच छोड़ी नहीं। और चोर चीख के भाग गया। ज़ैनब ये स्टोरी कहाँ थी तीन साल से? आप हाथ छोड़ो और मॉम आप इनको और सुना दो, मैं जा रही हूँ। ज़ैनब ज़ैनब खैर यारो, एक डाउट क्लियर करके जाओ। ऐसा तुम क्या कहते थे जिसके आउटपुट से क्रिमिनल डर के भाग गया? दावत में तीतर बटर खाई दबा के। ज़ैनब एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आज के बाद से तितर बटर न खाओ, मैं तो पूरा घर तितर बितर हो जाएगा। अरे ज़ैनब ऐसा मुंह कहीं को बुला लिया इतनी बात को? शुरू से ऐसी छैन। हाँ नहीं मॉम प्लीज, आपका ये शुरू से नको। आई देख रहे हैं अम्मा कुछ बोल रही। आजकल के बच्चे हम मम्मी क्या बोल सकते हैं? मम्मी आजकल बहुत कम आ रहे हैं, आप कहीं क्या करूं? ज़ैनब के पापा जाने ही नहीं देते, बेटी के ससुराल जाते क्या ऐसा पूछते हैं? मम्मी आप क्या बोलो मालूम, बेटी का ससुराल नहीं मेरे बच्चे का घर है बोलो। अरे उन्होंने हमेशा आते सो। मैं ज़ैनब मैं नहीं पूछता तुम्हारे डैड से, जब भी है ना मम्मी को कहीं को नहीं पूछता हूँ मैं। बिल्कुल आती बेटा, ठीक है मम्मी। लो गोश लो मेरे बच्चे। ज़ैनब तुम्हारी प्लेट देखो, उसकी प्लेट देखो, खुद गोश्त भर लिए, उसको कुछ भी नहीं डाले। अरे चार बोटियां डाली, खा लिया इन्हों। चावल के दाने भी गिनी क्या? देखिए मम्मी इसलिए डाइटिंग शुरू करा मैं, मेरे खाने पे नजर रखी जा रही है इधर। मैं समझिश थी इसकी गलती है बोल के, मियाँ खाए तो कोई भी खुश होते, यहाँ उल्टा ही हिसाब है, चार बोटियां खा गए कते। इन्हों दो बार चावल पे से हाथ साफ कर लिया, मैं कुछ बोला? यू जस्ट डिड। मैं बोल रही हूँ ना इन्हों शुरू से ऐसी छे। हाँ नहीं? हाँ मॉम, मेरे में तो कुछ गुड क्वालिटीज है नहीं, सिर्फ बैड क्वालिटीज है मेरे में। नहीं अग्री। बैड क्वालिटीज से याद आया, ज़ैनब का पकवान सुधरा? हाँ मम्मी आजकल अच्छा पका रहे हैं ना। आजकल एक साल से बोलो, उससे पहले तो दो साल मेरा बच्चा कैसा किस खाना खाया, कैसा खाए होंगे मेरे बच्चे तुम तो? अब कर लिया एडजस्ट, शादी क्या है मम्मी, इट्स ऑल अबाउट एडजस्टमेंट। देखो ऐसा शोहर मिलता तुमको ज़ैनब, आजकल एडजस्ट करो बोलते किस गायब हो जा रहे आदमी। मॉम औरता सबसे ज्यादा एडजस्ट करते, आपको तो मालूम ही ना। मैं कब बोली नहीं करते, लेकिन ये घर में तो उल्टा है। अल्लाह मॉम ये कौन सा रूप है आखिर आपका? ज़ैनब जवाब देना है, ताने मारना है, मैं कुमार हूँ, मम्मी को कुछ बोलेंगे मैं खामोश में बैठूंगा। अरे शुरू से ऐसी जन है मम्मी नो। हाँ शुरू से। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब खाने के लिए पूछो सास को। हाँ मम्मी आइए बैठिए ना। मैं बैठे मैं खा के आई। ऐसा बैठ के पूछते, उठना सास आए तो। आप बोल के क्या फायदा, ये कमी थी बस। और आपा ज़ैनब सतारी तो नहीं ना? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुधर गई बच्ची, अच्छा पका लेती, घर सेट कर ली। हाँ ये क्या, अच्छा मेरी तारीफ चल रही थी जब से, ये अम्मी की वाइल्ड कार्ड बन रही, पूरा गेम बिगाड़ दे रही। थैंक यू अम्मी, फाइनली कोई तो है मेरा जैसी, फीलिंग आ रही मेरे को। हाँ हमारा बच्चा एक बदमाश है, इसको संभाल के लेके चल रही सो आपकी बेटी। देखे मॉम बदमाश। अरे नहीं आपा, मेरे को तो इसकी शादी से पहले से हैबत थी, गए सो घर को कैसा चलाती की कह की बोल के। अब भी बोले ना मेरे अम्मी अच्छा चला रही हूँ। खुशी हुई बहुत सुन के। अम्मी को तो भिजाना पड़ता अब। अम्मी आपके सोने का टाइम हो गया, आप जाके सो जाओ ना, फिर रात में नींद नहीं लगती आपको। बेटे तुम्हारी सास आए, मैं जाके कैसा सो जाऊँ, और तुम्हारा ये नहीं मालूम किसके सामने कैसी बात करना। सो आई आपा। बच्चा ख्याल से बोला। देखो अम्मी आई मीन मम्मी अस्सलाम वालेकुम, और हमारे बच्चे से आपको कोई शिकायत तो नहीं है ना? जी बिल्कुल भी नहीं भाई, हम तो बहुत खुश है, ज़ैनब जैसी बच्ची के साथ निभा रहा। मॉम ये तो टू मच हो गया। क्या टू मच है, खाना पकाना सीख बोलता नहीं हुआ हमेशा बिस्तर पे, एदी कुंडी नंबर वन। नहीं अब सीख गए माशाल्लाह, बहुत अच्छा पका रहे। पापा कभी नमक में गलती होती सर, बोलो वो। अब उसको भी बोलेंगे तुम, जैसा कि तुम गलतियां नहीं करे
अब क्या तुम्हारे सास के सामने सुनता? अम्मी पापा अपना क्या यहाँ से जाओ। पापा कल वो चाय के साथ में पकोड़े तली थी, देखिए कैसे थे। अरे शानदार थे, बचपन में नायडू की मंडी पे खाता था, वो याद आ गया। मेरे को भी खिला दे ना, तारीफ तो बहुत कर रहे भाई। जी मॉम। अम्मी कल कामवाली नहीं आई थी तो मैं कितनी जल्दी बर्तन धो के खाना बना दी। तुम तो घर साफ रखने में एक्सपर्ट है। ये घर जो आपको इतना साफ दिख रहा है ये जैनब की बदौलत है, नहीं तो शाहरुख हमारा जहाँ गया वहाँ घूर करता। अब्बा जैनब कितने बदल गए तुम। छी, गेम चलते चलते पूरा उल्टा हो गया, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा। वो साम सीढ़ी में 99 का स्नेक कार्ड ऐसा पूरे सीने उतर के नीचे आ गया मैं। गुड जॉब बेटे। थैंक्स मॉम। अच्छा मेरे बच्चे। जी मम्मी। वो मैं सोच रही थी। क्या सोच रहे थे? मैं हेल्प कर दूं आपकी सोचने में। शाहरुख तारीफ का कोटा खत्म हो गया, जितनी मिली शुक्र है बोल के खुश हो जाओ बस। जी मैम। नेक्स्ट वीक तुम ना रहने आ जाओ, शादी के बाद से एक दिन भी रहने नहीं आए हमारे पास। अरे ऑफ कोर्स मम्मी, आपका हुक्म सर आंखों पे। जैनब नेक्स्ट वीक हम चल लेंगे मम्मी के पास। ऐसी जो बोल रहे हैं नु, कितने की बार साथ चलो बोली तो बोलते क्या मैं घर दामाद ही करूं तुम्हाको, नहीं चलता मैं बोल के ऐसा बोलते। शी इज लाइंग। हां मालूम मेरे को, इसको ख्याल ही कहां रहता सबका। मैं बोल रही हूं ना शुरू से ऐसी जो शाहरुख में ये बोलना चाह रहे थे ना मामा। जैनब जो तुम शुरू से बोले ना मजा नहीं आया। मम्मी बहुत अच्छा होता है शुरू से। हाँ शुरू से ऐसी चाहिए ना। हाँ नहीं इंशाल्लाह मैं आदत चेंज करता हूँ मैं। नको हमारी पूरी उम्र चली गई। तुम टाइम वेस्ट मत करो इसके पीछे, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। जरा मैं कैब तक छोड़ के आता हूँ मम्मी। घर तक ही छोड़ के आ जाओ। ठीक है तुम कैब कैंसिल कर दो।